आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और वहीं पर हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में जो कि भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां अपने संतान की रक्षा हेतु करती हैं तथा यह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, साथ में माता दुर्गा का पूजन करते हैं और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करते हैं तो उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का जो कि चंद्रोदय होने पर इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी क्या कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करा दे तो वह अपने शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जो कि प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार कर लिया और फिर वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया। जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा को पाकर के भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए और ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस कारण हुआ है। संपाति की बात को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। श्री रामचंद्र के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार जो कि राक्षस नगरी है वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए,
रावण द्वारा अपहृत सीताजी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी की ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं, इसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को जो कि क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टि चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। इस प्रकार से हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए हनुमान जी। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी श्री संकष्टि गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए और फिर इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे भी अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संकष्टि चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकष्टि गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं, तथा भगवान गणेश जी जब कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक संकष्टि चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत को अश्रद्धा रूप से होकर के नहीं करना चाहिए। व्रत के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास होना अति अनिवार्य है। प्रभु पे विश्वास रखते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।